દિલ્હીના સીએમ કેજરીવાલ વલસાડ જિલ્લાની મુલાકાતે છે. વલસાડ ધરમપુરમાં કેજરીવાલની જાહેર સભા. ગુજરાતમાં આપની સરકાર બની રહી છે, કેજરીવાલે આ વાત કરી. આઈબીના રિપોર્ટ પ્રમાણે આપની સરકાર બનશે. કેજરીવાલ ગુજરાતના લોકો ઈમાનદાર પાર્ટીની પસંદગી કરશે. इनको इतना घमंड हो गया, इनको इतना घमंड हो गया है. बहुत सारे बीजेपी के नेता मिलते हैं, बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते हैं, अंदर खाने बोलते हैं सर कुछ करो, इस बार हराओ इनको. बीजेपी वाले हराना चाहते हैं, बीजेपी वालों को कहते हैं सर कुछ करो, इस बार हराओ इनको. मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, सारे बीजेपी के नेताओं से जो जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, मैं जानता हूं आपको डर है, आप बीजेपी में ही रहो, लेकिन अंदर खाने बीजेपी को हराने का काम करो. अंदर खाने आम आदमी पार्टी के लिए काम करो. मुझे पता है किसी का बिजनेस है, किसी का धंधा है, आप हमारी पार्टी में आओगे आपको तंग करेंगे, ये गुंडागर्दी करते हैं. आप हमारी पार्टी में आओगे आपका बिजनेस खराब कर देंगे, आप वहीं रहो, बिजनेस खराब करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अंदर खाने इनको हराने का काम शुरू कर दो, अंदर खाने से. और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारे अपनी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ. अब अपनी पार्टी बाजी भूल जाओ. ये नई नई आंधी चल रही है, नई राजनीति, नई पार्टी, नए चेहरे, नए विचार, नया सवेरा आने वाला है. सब लोग नया गुजरात बनाने के लिए इकट्ठे हो जाओ, सब लोग, चाहे आप इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो, पार्टी मत देखो, गुजरात के लिए काम करो, देश के लिए काम करो. अपनी अपनी पार्टियां छोड़ दो, अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाओ दोस्तों. और आज इन्होंने, आजकल ये बीजेपी वालों ने एक और चर्चा शुरू करी है. अपने आप बोलते हैं, घूम घूम के कान में बोलेंगे, यार केजरीवाल तो अच्छा है पर इस बार नहीं आएंगे, अगली बार, इस बार नहीं आएंगे, अगली बार. कोई आके बोले ना समझ जाना बीजेपी वाला है, उनको बोला नहीं अगली बार नहीं, इसी बार बोलो, इसी बार बोलो, अगली बार नहीं, इसी बार. तो जो अगर आपको आके बोले कि अगली बार, वो समझ जाना बीजेपी वाला है, बदमाशी कर रहा है. उसको बोलना नहीं दोस्त अगली बार नहीं, इसी बार. तो दोस्तों एक आखिरी धक्का मारना है सब लोगों को, एक काम अब करना है. यहां से बाहर निकलोगे आधे घंटे के अंदर, सब लोग अपना अपना व्हाट्सएप खोल लेना और व्हाट्सएप पे जितने नंबर हैं हर एक को एक मैसेज भेज देना कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं. मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू भी इस बार एक बार आम आदमी पार्टी को दे दे. सबको बाहर निकल के सबको मैसेज करोगे नहीं करोगे, भगवान कसम. सब लोग अपने अपने दोस्तों को जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने नंबर है सबको मैसेज कर देना. और अभी जो ईशुदान भाई ने कहा, अपने गांव में जाके, अपने मोहल्ले में जाके कम से कम 100-100 लोगों को वोट देने के लिए तैयार करना है. मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं. भगवंत मान के पास भी नहीं है, हमारे ईशुदान के पास भी नहीं है, पार्टी के पास भी नहीं है. ईमानदार लोग हैं, हमने पैसे नहीं कमाए, हमारे अकाउंट खाली पड़े हैं, लेकिन हमें आपका साथ मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आपका साथ चाहिए. आप लोगों को यह चुनाव लड़ना पड़ेगा, अपने अपने गांव में घर घर जाके कम से कम एक आदमी 100-100 वोट तैयार करेगा, करोगे? आजकल गुजरात के लोगों ने एक नया नारा निकाला है, एक कटोरी दो समोसा. जोर से बोलो, एक कटोरी दो समोसा, भाजपा तेरा क्या भरोसा. एक कटोरी दो समोसा, भारत माता की. तो अरविंद केजरीवाल के जो गुजरात ना प्रवासे छे, वलसाड मा जाहिर सभा ने संबोधित करता તેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીને સીધો પડકાર ફેંકતા સરકાર બદલવાની વાત કરી. કેજરીવાલની સરકાર વારંવાર આવશે, એકવાર મોકો આપીને જુઓ.
દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે જન્મદિવસે લઈને આપેલા નિવેદન પર વિવાદ થયો. વડોદરામાં સભા સમયે કેજરીવાલે કહ્યું કે મારો જન્મ જન્માષ્ટમીએ થયો, હું કંસના વંશજોનો નાશ કરવા માટે આવ્યો. અરવિંદ કેજરીવાલના નિવેદન પર ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલે પ્રહાર કર્યા. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતના લોકોને કેજરીવાલે કંસ સાથે સરખાવ્યા. કેજરીવાલે વાણી વિલાસ કરતા પહેલા વિચારવું જોઈએ. जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी. और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम देके भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए. ये जितने कंस की औलाद है, जितने भ्रष्टाचारी है, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे. भगवान हमारे साथ है. उन्होंने कहा कि उनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था. 15 अगस्त 1968 को जन्माष्टमी थी. तो 16 अगर उसके लिए भी झूठ बोलने की उनको आवश्यकता क्या पड़ी, वही समझ नहीं आ रही है. दूसरा, उन्होंने गुजरात के लोगों को कंस कहा. ये तो गुजरात के लोग अच्छे हैं, ये तो उसको गुजरात में प्रवेश बंदी कर देंगे कि गुजरात के लोगों को कंस कहना और फिर गुजरात में वोट लेने के लिए आना, ये तो गुजरात में ही संभव है. उसको बोलो और कोई प्रदेश में जाकर ट्राई तो कर ले. अरविंद